घूमने आए हैं और जहाँ हम लोग आए हैं उनका वहाँ का नाम है पिन नानके। यहाँ का पूरा जो भी साइड में दिया हुआ है वॉल्स वगैरह वो बिल्कुल गांव जैसी है। यहाँ का जो व्यू है, मतलब नैना के कहने का मतलब ये कि यहाँ का जो व्यू है, आर्किटेक्चर है, वो बिल्कुल गांव के जैसा है। इसीलिए इसका नाम पिंड नानके, क्योंकि पंजाबी में गांव को पिंड बोला जाता है, इसलिए इसका व्यू ऐसा रखा गया है। और आज हम लोग आए हैं पूरी फैमिली के साथ, तो मैं आज आपको मेरी फैमिली से भी मिलवाऊंगी और हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। आज मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मा की एनिवर्सरी भी है, तो हम लोग सब कुछ साथ में सेलिब्रेशन करेंगे, तो चलो देखते हैं। सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नैना ने सब एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। तो चलो आओ, अब आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ के ऑनर से मिलवाती हूँ कि कैसे उन्होंने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, शेफ से मिलवाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से किचन में काम होता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अभी मैं हूँ पिन नानके में। मेरे साथ हैं पिन नानके के ऑनर मिस्टर शंटी बवेजा और मिस्टर बंटी आजाद सर। तो इनसे करते हैं थोड़ी बातचीत की कैसे इनको आइडिया आया पिन नानके ओपन करने का। सर बताइए हमें कि आपने कैसे गंगानगर शहर जो है वो पंजाबी कल्चर से ही बिलोंग कर रहा है, इस वजह से हमने सोचा भी इसका जो नाम है वो पंजाबी कल्चर पे ही रखा जाए। इसलिए अब पंजाब में और राजस्थान में जो ये बॉर्डर है इस पे सारा पंजाबी कल्चर होने की वजह से पिंड नानके जो है, जैसे नानी का ननिहाल बोलते हैं, घर बोलते हैं, उस वजह से हमने इसका नाम जो है पिंड नानके रखा और सारा जो इसको रूप दिया वो पंजाबी रूप दिया। आर्किटेक्चर है वो पूरा गांव जैसा ही है, नानी के घर मतलब गांव जा रहे हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी हिसाब से अभी जो भी हमारे कस्टमर आए तो उनको लगे भी हम हमारे ननिहाल में बैठे हैं, पंजाबी मॉल में बैठे हैं, उसी हिसाब से ही कंफर्टेबल जोन में बैठ के खाना खाएं आराम से नानी के घर जैसे। तो सर यहाँ की जो बेस्ट स्पेशलिटीज हैं, मतलब आपने कुछ स्पेशल मेन्यू में क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ऐड किया? पंजाबी एक्चुअली पंजाबी जो कल्चर है हमने टेस्ट पंजाबी कल्चर वाला दिया है। इंडियन टेस्ट जितना भी है उसको पंजाबी में कन्वर्ट करके पंजाबी टेस्ट कर। हमारी स्पेशल आइटम है जैसे नानी के यहाँ जाते हैं नानी चूरी खिलाती है, देसी घी की, तो हमारे यहाँ भी हमने हमारे मेन्यू में नानी की चूरी के नाम से एक डिश रखी है। ऐसे लगेगा आपको देसी घी में जैसे घर की बनी है। चूरी तो अभी खानी है। गांव में जैसे गुड़ की रोटी होती है, हमारे यहाँ गुड़ की रोटी भी अवेलेबल है। ये दो आइटमें, एक सांगरी है जो हमारे राजस्थान की फेवरेट आइटम है, वो भी हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं हमारे कस्टमर के लिए। मोस्टली क्या है, लोग गंगानगर के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो बहुत दिल्ली जयपुर चंडीगढ़ इधर रहती है। तो सबको है कि जब हम अपने होम टाउन आते हैं बेस्ट जो मीटिंग्स होती हैं वो खाने पे ही होती हैं। मुझे लगता है कि गंगानगर के मैंने काफ़ी सारे प्लेसेस विजिट किए हैं अभी एक हफ्ते में, मुझे उनमें बेस्ट आर्किटेक्चर वाला लगा कि हाँ जहाँ फैमिली के साथ कम्फर्ट जोन में बात की जा सकती है, बैठा जा सकता है फूड टेबल पे। तो अगर आप भी नेक्स्ट टाइम गंगानगर आए और आपको फैमिली के साथ एक अच्छा फूड कंपेनियन चाहिए हो तो आप पिंड नानके जरूर विजिट करें। तो अभी हम चलते हैं शेफ के पास और देखते हैं कि आज शेफ क्या बना रहे हैं खाने में। और मेरे को चूरी तो खानी है, वो तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं खाती हूँ। तो चलिए अभी शेफ के पास चलते हैं। बनाने जा रहे हैं पिंड नानके स्पेशल पनीर, जिसमें काजू की ग्रेवी और साथ में इसमें काजू की जो टुकड़ी होती है वो हम इसमें डालते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप देखो कैसे बन रही है। नहीं, इसमें क्या क्या डाला है? हाँ, टमाटो ग्रेवी और क्या डाला? और काजू, ड्राई फ्रूट, काजू। Oh,
और पनीर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। Nandu, don't do this. क्या बोल रही है? Happy anniversary to both of you. Celebration. चार साल में करेंगे। थोड़ी सी acting कर लेते हैं। अभी तो चल दे यार। चल दे खड़े करना। तो लगा दे इसमें मोड़ के ऊपर। तो lighting करना sorry बात नहीं है। पिछले वाले वाले। ना थोड़ा सा और खिला दे यार। तो आज मैंने आपको इससे की बताया था कि आज मैं आपको मेरी फैमिली से मिलवाऊंगी और ये है मेरी दादी। दादी सबके पास होती है और दादी सबसे प्यारी होती है। नेक्स्ट है मेरी मम्मा, हाय। उसके बाद आते हैं मेरे पापा, हाय। ये है मेरी बड़ी मम्मा, ये है मेरे बड़े पापा जिनकी आज एनिवर्सरी है। हेलो और ये पिन नानकी की स्पेशल चूरी है जो कि हम हमारे लड्डू गोपाल को खिला रहे हैं। मैं ये ट्राई कर रही हूँ, गुड़ की रोटी, बहुत ही टेस्टी है गुड़ की रोटी।